वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही इजी तरीके से गैलेक्सी का आर्टवर्क। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। और सबसे पहला स्टेप है, आपको अपना जो भी आप पेज, जिस भी पेज पर आप बनाने वाले हो, उसे थोड़ा गीला कर लो, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी कलर को स्प्रेड करने में पेज पेज के ऊपर। बाकी आपको फर्स्ट लेयर लगानी है, थोड़ा गीले ब्रश से ही पेंट करना है, फर्स्ट लेयर लगानी है। उसके बाद आपको ब्लैक कलर को डार्क करने के लिए एक और लेयर लगानी है, उस लेयर को सूखने के बाद। वो ज़्यादा गीले ब्रश नहीं लगानी, बहुत ही कम गीला ब्रश लेना है, पूरा पेज ब्लैक हो जाए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आगे सूखने देना उस पेज को। उसके बाद आप देखते रहिए, जैसे जैसे मैं आप कलर फिल कर रहा हूँ प्लैनेट के अंदर, तो आप भी सेम टू सेम इसी तरीके से करोगे तो आपका भी प्लैनेट शायद इसी तरीके से फिल हो जाएगा कलर्स के थ्रू। बाकी मैंने ये एक छोटी सी पॉली बैग एक इक्वल शेप लाने के लिए, क्लियर शेप लाने के लिए रख रखी थी, कलर स्प्रेड ना हो, जिससे मैशअप ना हो ब्लैक और प्लैनेट के बीच में। तो अभी जब पॉली बैग रखी है तो आप देख लीजिए कितनी प्यारी क्लीन लाइन आई है एक प्लैनेट के ऊपर। बाकी आप जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, मैंने पहले कलर डाला, उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया जो कि वेट, बिल्कुल ड्राई ब्रश था, ठीक है ना। ड्राई ब्रश लेना आप, ड्राई ब्रश से आप पंच करते रहिएगा, आपका बिल्कुल यही सेम टेक्सचर आ जाएगा जो आपको वीडियो में दिख रहा है अभी। बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी बन जाएगी आपकी आर्ट वर्क। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया गाइस, अभी नॉर्मली मैंने एक ब्रश लिया, ब्रश को वाइट कलर में फिल किया और अपनी फिंगर का यूज़ करके उसे स्प्रेड करना शुरू कर दिया पेज के ऊपर। तो आपको स्टार्स देखने को मिल जाएंगे, तो स्टार्स देखने के बाद आपको कुछ इस तरीके का लुक दिखेगा। बाद में मैंने साइड में से बॉर्डर की टेपिंग हटा दी है, इसलिए बॉर्डर का लुक भी अच्छा आया। सो गाइस, सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ कमेंट ज़रूर करके जाना कैसी लगी आपको वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो।